नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। सीएम सिटी करनाल में पुलिस द्वारा केंद्र सरकार के नए चालान दरें बढ़ाने के नियम के बाद एक मुहिम के रूप में इसको लागू करने की धूम मचा दी है एवं कानून को ताक पर रखकर भी नए कानून को लागू करने में भरसक प्रयास करते हुए करनाल पुलिस ने सारी ताकत झोंक दी है। इसका एक मामला वीरवार को सेक्टर 13 कार्ड्रा स्वीट्स के सामने देखने को मिला, जहां एक पुलिस द्वारा युवाओं की मोटरसाइकिल रोककर एक युवा के साथ मारपीट की गई, जिससे आक्रोशित होकर युवा बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए और पुलिस का विरोध करने लगे। मोटरसाइकिल पर आए नवजोत ने बताया कि वह सेक्टर 13 की ओर आ रहे थे कि अचानक पुलिस वाले ने उनकी गाड़ी रुकवाई और उनके साथ बेवजह मारपीट करने लगे। उन्होंने कहा कि पुलिस चालान काट सकती है, मारपीट करने का पुलिस को कोई हक नहीं है। वहीं पुलिस के उच्च अधिकारियों ने आकर मामले का संज्ञान लिया एवं मोटरसाइकिल को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। यहां हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा दुपहिया वाहन पर चालान की दरें दुगनी चौगनी करने के बाद करनाल में इसका असर ज्यादा दिखाई दे रहा है और प्रत्येक चौक और चौराहे पर पुलिस की जिप्सियां इसी कार्य को करते हुए दिखाई दे रही है। देखिए समाचार एक्सप्रेस की एक विशेष रिपोर्ट। मैं और मेरा दोस्त जा रहे थे 6 सेक्टर मेरी फाइन आर्ट स्टेशनर से सामान लेने, तो इन्होंने रोका। नंबर चलो मैं वहां पर गलत लिखवा रहा, तो इन्होंने रोक के कहते चाबी दे, मैंने दे रहा हूँ, खींचने लगे। मैंने आराम से दे रहा हूँ, थप्पड़ मारे मेरे दो, फिर मैंने कहा अब मैं देता हूँ 2 मिनट, फिर दी दोबारा, फिर मेरे डंडे मारे इन्होंने, फिर कहते मैं बाइक की नंबर प्लेट हाथ रखा है, फिर इन्होंने डंडे मारे, फिर डंडे मारने के बाद ये वहाँ ले गए मेरी चाबी, फिर इतनी देर में सारे आ गए। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रवीण होता है। तो आप चालान काटे भाग रहे थे भाई? पहले बिना चालान काटे भाग रहे थे, अब कह रहे चालान काटेंगे, जब सारे इकट्ठे हो गए। क्या चालान काटे, मामला क्या करो? हम जा रहे थे आराम से, हमें मारे इन्होंने, चालान काट लेते रोकना, चलो चालान हम मानते हैं, चालान तो काटो, काट रहे हैं तो मारना थोड़ी था। क्या नाम है भाई? क्या नाम है? कोई और भी था आपके साथ जो चला रहा था? उसका नाम मीत है। कहाँ के रहने वाले? रामनगर के। तो कहाँ जा रहे थे? हम 6 सेक्टर जा रहे थे। गाड़ी पे पापा लिखा हुआ, वो गाड़ी पे जो पापा लिखा हुआ नंबर गलत तो बात दूसरी है, वो तो चलो लिखा हुआ है, मैंने मिटाने की कोशिश की उसका चलान, चलो काट दे, पर इन्होंने मारा है। हम तो कह रहे चलान काट, बहस था कुछ ही, चाबी की बात थी, चाबी दे रहे हैं आराम से, दे रहे हैं जेब में डालती, आराम से निकाल रहे, मारने लग गए। आपको मेरी और क्या हंगामा यहाँ पर हुआ? अभी आपके सामने तीन गाड़ी थी H405AS, इसके नीचे ओनली पापा लिखा था, मुलाजिमों ने रखवाई, नाम पता चलान से डरने के लिए ये हमने खुद पहले पहुंचे थे, सामने एक अंकल रहते हैं जो खड़े थे, बुजुर्ग अंकल है, उन्होंने हमने उनसे पूछा तो उन्होंने माना कि आप पुलिस वाले ने हाथ उठाया, एक पुलिस वाले ने हाथ उठाया, क्योंकि हम भी इसके वो नहीं है फेवर में कि चलान तो कटना ही चाहिए। सेक्टर 13 में तो आवारा लड़के बहुत ज्यादा है, चलान आप दबा के काटिए, मीडिया आपके साथ है, लेकिन एक पुलिस कर्मचारी द्वारा हाथ उठाया गया जिसके बाद ये सारा बवंडर खड़ा हुआ, तो इसकी पता करेंगे आप क्या कुछ। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।